धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, मेरे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये नया सुबह दिखाने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु जी एक और नया दिन देने के लिए मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया कि आपने हमें जीवित रखा है मेरे पिता, आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमारे परिवारों में से हर एक लोगों को सुरक्षित रखा है, रात भर आपने हमें हर एक विषैले जीव जंतुओं से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से बचा के रखा मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन समय को दिखाने के लिए मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह को प्रभु जी, हम आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जितने लोग भी इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके परिवार के हर एक लोगों को, बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आज के सुबह में उन लोगों पर अपनी दया दृष्टि कर, उन्हें आपकी उपस्थिति में आपकी हुजूरी में देते हैं मेरे खुदावन, तो उन लोगों पर दया कर, उन्हें अपने लहू से, अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित ढक ले मेरे पिता, हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए आज के सुबह में सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे, आप लोग वचनों पर मन लगाएं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको छुटकारा चंगाई देगा, आपको हर एक कर्जों से, लोन से मुक्त करेगा, आजाद करेगा, आपको हर एक प्रकार की चंगाई देगा, आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी बीमारियां है उन सारी बीमारियों को प्रभु आज आपको, आपके जीवन से उन सारी बीमारियों को निकालेगा, आपको आजाद करेगा। आज हम वचन निकालते हैं यहोशुआ अध्याय 1:5, जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बात यहोशुआ से प्रभु बोल रहा था, और प्रभु बोल रहा था जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु यहोशुआ से बातें कर रहा था उसी प्रकार आज आपसे भी बातें कर रहा है, और प्रभु आपको भी बोल रहा है कि जब तक आप जीवित हैं आपके सामने कोई भी चीज़, कोई भी टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कर्जे हो, बीमारियाँ हो, कोई भी विपत्तियाँ, कोई भी संकट, कोई भी चिंताएँ हो, आपके जीवन में टिक नहीं सकती। प्रभु आपको बोलता है कि जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। यदि प्रभु बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है, और वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है जो बोलकर वो अपने वादे को पूरा नहीं करता। आज यदि प्रभु के मार्गों पर आप चलेंगे तभी ऐसा होगा, बिना प्रभु के मार्गों पर चले ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रभु के मार्गों पर दाऊद चलता था और दाऊद के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, उन्होंने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, उसी प्रकार यदि आप प्रभु के मार्गों पर चलेंगे, प्रभु के कहनों को, प्रभु की आज्ञाओं को पूरी रीति से फॉलो करेंगे, मानेंगे, उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो प्रभु आपको दृढ़ करेगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपके जीवन में कोई भी बीमारियां, कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएंगी। आप लोग प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु के रास्तों पर चलें। यदि आप प्रभु के रास्तों पर चलेंगे तो बड़ी से बड़ी चीज़, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, बड़ी से बड़ी विपत्तियां आपके जीवन में नहीं आएंगी, कोई भी चीज़ आपकी हानि नहीं पहुंचा पाएंगी। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु के मार्गों पर चलें, प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करें, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में मांगें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की यही इच्छा है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वही चंगाई, छुटकारा, वही शांति देने वाला परमेश्वर है, वही हमारा मुक्तिदाता, हमारा कल्याणकारी सेनाओं का यहोवा, हम उनका धन्यवाद करेंगे। तो चलिए सब लोग एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रभु की महिमा करें, और सब लोग अपनी आँखों को बंद करें, अपने दिलों को प्रभु के लिए खोल दें, प्रभु की उपस्थिति के लिए खोल दें। आप हर एक चीज़ों से आज आज़ाद होने वाले हैं, चंगाई पाने वाले हैं, छुटकारा पाने वाले हैं, तो आप आनंदित हो जाइए, आप खुश हो जाइए, आप यकीन कर लीजिए आज हम आज़ाद होने वाले हैं, आज हम छुटकारा पाने वाले हैं, प्रभु आज हमको आज़ाद करने वाला है। यदि आप लोग अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको सचमुच आज़ाद करेगा, और आप लोग विश्वास करें कि आज जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप जरूर छुटकारा पाएंगे, चंगाई को पाएंगे। तो चलिए सब मिलकर प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 करते मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु नासरी, आज के सेवा में हम सभी भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में बुलाने के लिए, आशीष देने के लिए, अपनी दया, अपनी प्रेम बरसाने के लिए मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया, हमें सुरक्षित और जीवित रखा। प्रभु जी हम सो गए थे, लेकिन प्रभु जी आपने हमारी रक्षा की, विपत्तियों से हमें बचाया,
हर एक बच्चे को प्रभु जी, हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपने सुरक्षित और जीवित भला चंगा रखा मेरे खुदावन, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी, आप ही आदि और अंत हैं प्रभु जी, आपके सदृश कोई दूसरा परमेश्वर नहीं प्रभु जी, आप पवित्र हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु जी, आप ही हमारे उद्धार करता है प्रभु जी। मनुष्य केवल अपने मनों में विचार करता है, लेकिन प्रभु जी आप ही उनके मार्गों को सीधा करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, आपकी प्रभु जी महिमा युगानुयुगों तक होती रहती, आपकी प्रशंसा प्रभु जी, आपकी बड़ाई प्रभु जी हर एक लोग करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी, प्रभु जी आपकी महिमा स्वर्ग में प्रभु जी दूतगण मिलकर करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमें नया बल दिया है मेरे प्रभु जी। आप हर एक सुबह मेरे प्रभु जी हमें एक नई सामर्थ्य, एक नई बल, एक नई ऊर्जा देते हैं मेरे खुदावन। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आपने अपने प्रेम से अपनी उपस्थिति में हम सभी भाई बहनों को एकत्रित किया मेरे खुदावन मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जो प्रेम आज आपने हम पर बरसाई। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आप हमें दृढ़ करते हैं, हमें बल देते हैं, हमें संयम देते हैं मेरे खुदावन मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेम करते हैं हमसे, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं मेरे प्रभु यीशु, आप अपने दूतों को आदेश देते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह में, आपके इस वचन के लिए मेरे प्रभु जी। आपने अपने वचनों में वादा किया है मेरे पिता परमेश्वर, कि जब तक तुम जीवित रहोगे तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारी ओर से लड़ते हैं, हम केवल प्रभु जी आपके साथ चलते हैं, लेकिन प्रभु जी आप ही हमारे आगे से उन सारी विपत्तियों को, उन सारी समस्याओं को, बीमारियों को दूर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, आज वो चंगाई पाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु जी उनके सामने आज कोई भी बीमारियाँ, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी कर्जे, कोई भी प्रभु जी लोन उनके सामने टिक नहीं सकता प्रभु जी। आज उनके जीवन से वो सारे कर्जे, सारी मुसीबतें, सारी विपत्तियाँ आज उनके जीवन से जाने वाले, क्योंकि प्रभु जी आपने उनकी सुधि ली है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचे स्वर से पुकारते हैं मेरे प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी योजना को प्रभु जी अपने जीवन में पूरी कर सके आज के इस दिन में मेरे खुदावन, प्रभु जी हम आपके मार्गों पर चल सके प्रभु जी, उसके लिए हमें दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर। हमने रात में प्रभु जी जितने भी अपराध किए हैं प्रभु जी, जितने भी अपराध अपने मनों के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा प्रभु जी, अपने अंगों के द्वारा मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, हमारे हर एक अपराधों को तू क्षमा कर, और प्रभु जी हमें आशीष और अनुग्रह दे मेरे खुदावन पिता, कि प्रभु जी हम कोई भी तरह के अपराध प्रभु जी आपके विरुद्ध ना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, और सच्चाई से, ईमानदारी से आपके मार्गों पर चलते रहें, आपकी योजनाओं को प्रभु जी अपने जीवन में पूरी कर सके प्रभु जी, हमें आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों पर प्रभु जी अपनी करुणा, अपनी दया बरसाइए प्रभु जी। आपका प्रेम प्रभु जी हमारा सहारा है पिता, आपका दया प्रभु जी हमें संभालता है मेरे पिता, आपकी सत्य प्रतिज्ञता प्रभु जी हमें जीवित रखती है, हमारे हर एक कामों को बनाती है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी आज के इस सुबह में मेरे खुदावन मेरे पिता, तू हर एक भाई बहनों पर दया कर और उन्हें आशीष अनुग्रह दे मेरे खुदावन, ताकि वे आज के इस दिन में हर एक पापों से बचे रहें पिता परमेश्वर। वे आज जो भी कार्य करें प्रभु जी, वे आपकी योजनाओं को पूरी कर सके, उस कार्य में प्रभु जी आपकी महिमा हो। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है पिता। आज जितने भी भाई बहन आज हॉस्पिटल में या प्रभु जी अपने घरों में बीमार पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं मेरे पिता, चल नहीं सकते प्रभु जी, खाना नहीं खाते मेरे प्रभु जी, आज तू उन लोगों पर दया कर मेरे पिता, तूने चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं और उन सारे भाई बहनों को आज आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आप हमें संयम दीजिए, आप हमें धैर्य दीजिए पिता। जो लोग आज बीमार हैं प्रभु जी, उन्हें धैर्य दीजिए, क्योंकि आज वो छुटकारा पाने वाले हैं, आज वो चंगाई पाने वाले हैं पिता।
प्रभु जी, उनकी आत्मा को दृढ़ करिए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि वे देख सके कि आप उनके साथ हैं, उनका कोई भी विपत्ति उनकी कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई भी महामारी प्रभु जी उन्हें छू नहीं सकती मेरे खुदावर। मेरे पिता तो उन लोगों की आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। आज बहुत सारे भाई बहन व्यभिचार में पड़े हैं, नशों में पड़े हैं मेरे खुदावर। मेरे पिता तो उन लोगों को प्रभु जी आत्मिक समझ दे, आत्मिक ज्ञान दे मेरे खुदावर पिता, ताकि प्रभु जी वे आपके प्रेम को समझे प्रभु जी, वे आपके हृदय की बातों को जाने सुने प्रभु जी, आपके वचनों पर मन लगाए प्रभु जी, और हर एक पापों से हर एक अपराधों से प्रभु जी वे बचे रहे मेरे खुदावन मेरे पिता, वे हर एक नशों से छुटकारा पा जाए। हे मेरे प्रभु जी, आज जिनके भी पति प्रभु जी, जिनके भी घर में जिनके माता पिता प्रभु जी आज शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन घरों में प्रभु जी अशांति मेरे पिता, तो उन घरों में शांति बरसा दे, और मेरे प्रभु जी उनके जीवन से हर एक नशे को, हर एक नशे की आदतों को प्रभु जी उनके जीवन से दूर कर दे मेरे खुदावन। मेरे पिता हम आपसे विनती करते हैं और उन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस दिन की शुरुआत प्रभु जी हम आपके नाम से करते मेरे खुदावन। प्रभु जी आप हमारे साथ रहिए और हर एक लोगों के साथ रहिए पिता, और जो भी अपने घरों से कोई भी कार्य, कोई भी योजनाएं बनाकर निकले मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन लोगों की हर एक योजनाओं को सफल कर, उन्हें आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे। आज हर एक लोगों के रुके पड़े कार्य प्रभु जी चालू हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु जी आपकी दुहाई दे रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, तू उनकी प्रार्थना को सुन, उनकी विनतियों पर ध्यान दे प्रभु जी, तू उन्हें आशीष दे। हम आपसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर, और आज के इस दिन में हर एक भाई बहनों को हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारियों से मेरे खुदावन आज बचा के रख, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर मेरे खुदावन। मेरे पिता हम आपसे विनती करते हैं और इन प्रार्थनाओं को मेरे खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।